नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तबरेज सिद्दीकी। सबसे पहले हेडलाइन। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस में लगी आग, तमाम फाइलें जलकर हुई खाक। आग के कारणों की जांच के लिए चीफ फायर ऑफिसर और फाइलों की जांच के लिए एडीएम सिटी के नेतृत्व में बनाई गई कमेटी। फर्जी खाता खोलकर करोड़ों की जालसाजी करने वाले गिरोह का सीओ कोतवाली ने किया पर्दाफाश। गोरखपुर महोत्सव के लिए ऑडिशन में चयनित हुए प्रतिभागी दिखाएंगे अपनी कला का हुनर। महापौर, नगर आयुक्त और व्यवसायी एवं समाज सेवी बालकृष्ण सर्राफ ने गरीबों को बांटा 1000 से ज्यादा कंबल। गोरखपुर महोत्सव की तैयारियां पूरे शबाब पर, रातों दिन हो रहा है विश्वविद्यालय प्रांगण में काम। जिलाधिकारी राजीव रौतेला की अध्यक्षता में आयोजित हुई गणतंत्र दिवस की तैयारी बैठक, विविध कार्यक्रमों की तय की गई रूपरेखा। अंतिम चरण में है गोरखनाथ मंदिर परिसर में लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियां। भाजपा के विस्तारकों की बैठक हुई संपन्न, सौंपी गई जिम्मेदारी। पुलिस लाइन रोड पर चला नगर निगम का बुलडोजर, हटाया गया अवैध अतिक्रमण। कमिश्नर ने कहा 24 जनवरी को मनाया जाएगा यूपी दिवस, आयोजित होंगे विविध कार्यक्रम। कंबल स्वेटर वितरण किए जाने सहित 8 सूत्री मांगों को लेकर सपा ने किया प्रदर्शन, डीएम को सौंपा ज्ञापन। ठंड के कारण कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल बंद रहेंगे, परंतु शिक्षक रहेंगे उपस्थित। और जिला क्रिकेट लीग में रायल ने सुपर क्लब को 9 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, रिकॉर्ड और अकाउंटेंट ऑफिस में आज सुबह आग लग गई। आग से दोनों दफ्तरों में तमाम फाइलें और अन्य दस्तावेज जलकर खाक हो गए। आनन-फानन में कॉलेज के कर्मचारियों और अन्य लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। इसी दौरान सूचना पर दमकल विभाग की गाड़ियां भी पहुंच गईं, जिनके अधिक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। जिला प्रशासन ने भी आनन-फानन में आग के कारणों की जाँच के लिए चीफ फायर ऑफिसर और फाइलों की जाँच के लिए एडीएम सिटी रजनीश चंद्र की अध्यक्षता में जाँच समिति गठित कर दिया। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि आग सुबह 9 बजे लगी थी। आग की लपटें काफ़ी तेज थी। प्रिंसिपल के कमरे और उनके ऑफिस के अलावा रिकॉर्ड रूम, अकाउंटेंट ऑफिस व पहली मंजिल के कुछ कमरों से आग की लपटें दिखाई दे रही थी। आग की सूचना पर दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। जब तक आग पर काबू पाया जाता, बड़ी संख्या में दस्तावेज जलकर खाक हो चुके थे। मौके पर एसपी नॉर्थ गणेश साहा भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। आग के कारणों की जांच के लिए चीफ फायर ऑफिसर को कहा गया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आगजनी के दौरान तरह तरह के अफवाहों का भी माहौल गर्म रहा। लोग प्रिंसिपल और अकाउंट ऑफिस में लगे आग को ऑक्सीजन कांड की जांच और एक षड्यंत्र के तहत आग की घटना को अंजाम देने की बात कर रहे थे। वहीं इस घटना पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कॉलेज के CMS व प्रभारी अशोक कुमार श्रीवास्तव ने कहा, बाहर वाले भाई बहन छोड़ दीजिए, बाहर से बाहर। अरे यार, ये बताओ तुम लोग कहीं फोन किए हो कि नहीं? अरे कभी फोन हुआ है? ऐ रंजन, लगाया फोन आपको? सबको नंबर पे, सबको फोन हुआ है। एक बार लगाई जरा तो नहीं बैठी आगे। Thank you.
गरिया कहाँ खड़ा कर लिया था अपन गाली हटवा के लिए भी हमने फायर की किसी को और से भी गाड़ी बुला ली है और आग ना फैले इसके लिए प्रिकॉशन अपनाया जा रहा है। आग की जो संभावित कारण है इसकी पता लगाने के लिए सीएफओ के अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी गई है और
पड़ रही है। अभी जो स्थिति है हम पूरी तरह आग में काबू पा लिए हैं और ये धीरे धीरे सब कुछ सॉल्व हो। आग में कोई घायल नहीं, इस तरह की भी कोई सूचना नहीं है। कैसे लगी आग? कोई मैंने पहले ही कहा गया कि आग के संभावित कारण की जांच के लिए CFO के रूप में एक कमेटी गठित। क्या नुकसान हुआ इसका अभी फिलहाल आकलन कर पाना मुश्किल है। क्या नुकसान हुआ है मतलब कुछ पता नहीं? मैंने जैसे कहा कि अभी इसका आकलन करवाना मुश्किल है क्या नुकसान हुआ है नहीं हुआ, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि आग को पूरी तरह कंट्रोल पा लिया गया। कितनी गाड़ियां लगी सर बुझाने में? शुरुआत में 4 गाड़ी लगी थी, 2 के पानी खत्म हो गए तो उनको रिफिल करने के लिए भेजा गया है और एक्स्ट्रा भी गाड़ियां मंगवा ली। फायर हाइड्रेंट सिस्टम सुनने की धोखा दे गया था यहाँ कॉलेज में जो लगा, ये सारी बातों की जांच की जाएगी। कि कैसे आग लगी, ये क्या पूरी घटना है, क्या कारण? कारण तो नहीं बता सकते कैसे लगी आग, लेकिन ये पता चला 10 बजे करीब आग लगी है तो हम लोग सबको आए यहाँ पे, फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया गया, फायर ब्रिगेड आगे आग आग बुझा लिया। उन्होंने कक्ष है उनके स्टेनों का कमरा और उसके बगल का कमरा, 3 कमरे पूरे तरह जल गए हैं। बाकी अब असेसमेंट किया जाएगा कि उसमें क्या क्या गया है क्या नहीं, बाकी कुछ क्षति भी हुई है अब ये क्षति का अंदाजा अभी नहीं कर सकते। क्या नाम है सर आप और क्या डेजिग्नेशन है? हाँ जी, क्या नाम और क्या डेजिग्नेशन है? पुलिस लाइन में घटना का खुलासा करते हुए CO कोतवाली तारकेश्वर पांडे ने बताया कि तिवारीपुर पुलिस ने जनपद के 3 विभिन्न थाना क्षेत्रों में रहने वाले 5 युवकों को दबोचा है, जिनके अलग अलग खातों से पिछले 1 माह के भीतर 40 से 50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। क्षेत्राधिकारी कोतवाली तारकेश्वर पांडे ने बताया कि पकड़े गए युवक दिनेश कुमार पुत्र बेचू प्रसाद, ऋषि शर्मा पुत्र सुदामा शर्मा और विजय कुमार पुत्र गुलाब चंद थाना तिवारीपुर के रहने वाले हैं, जबकि सुरेंद्र कुमार पुत्र केशव थाना बेलीपार और संतोष शर्मा पुत्र राजकुमार थाना सहजनवा के रहने वाले हैं। पकड़े गए अभियुक्त खाता खोलने के लिए कुछ लोगों द्वारा पैसा दिए जाते थे। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए युवकों की मासिक आय महज 5 से 6 हज़ार ही है, ऐसे में शक होना स्वाभाविक है कि आखिर इतनी बड़ी धनराशि इन युवकों के खाते में कहां से आई। CO कोतवाली ने बताया कि जल्द ही पर्दे के पीछे काम कर रहा युवक शुभम पांडे जो फरार है उसको गिरफ्तार होते ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। CO कोतवाली तारकेश्वर पांडे ने बताया है क्षेत्र कोतवाली का। यहाँ पर बैंक स्टेट बैंक के द्वारा एक इन्फॉर्मेशन पर यहाँ पे क्षेत्राधिकारी कोतवाली मेरे द्वारा और SHO तिवारीपुर द्वारा इसकी जांच की गई तो प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि इन लोगों ने जिनके पास वो संपत्ति नहीं है या जिनका वो पैसा नहीं, उन लोगों द्वारा ट्रांजैक्शन काफ़ी बड़े पैमाने पर किया गया। फिर उस जांच के आधार पर लोगों को अरेस्ट किया गया, पूछताछ की गई तो इस पर ये संज्ञान में आया है कि इन लोगों द्वारा और इनके यहाँ पे ठिकानों पे छापे मारे गए तो वहाँ से कई सारे कागजात पाए गए बैंक के खाते खुलवाने के और लोगों के और ID के बारे में। तो इससे ये समझ में आया कि ये लोग अवैध रूप से कई सारे बैंकों में कई सारे खाते खुलवाते थे और उस खाते के थ्रू और लोगों के पैसों का ट्रांजैक्शन यहाँ से वहाँ होता। तरीका ये था कि जब तक ये खाते खुलवाते और उस खाते का वेरिफिकेशन होता, खाते खुलने के बाद उनके डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन में कम से कम 15-20 दिन 1 महीने का समय लग जाता है कि व्यक्ति मूल पता है उसका जिसने दिया है वो सही है कि नहीं, रहने वाला वहाँ का है कि नहीं, आधार कार्ड सही लगा है कि नहीं, पैन कार्ड सही लगा है कि नहीं, इन सारी चीज़ों का जब वेरिफिकेशन होने में 1-2 महीने लग जाता था उस वेरिफिकेशन के पूर्व ही ये सारे ट्रांजैक्शंस कर लिए जाते थे। तो जब तक वो वेरिफिकेशन पूरा होता या कोई ऑब्जेक्शन लगता तब तक खाते से लगभग 15-20 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हो चुका होता। ऑनलाइन करते थे? ऑनलाइन नहीं है, ये बैंकों के थ्रू होता था, ये आपके ATMs के थ्रू होता था या ट्रांसफर ऑनलाइन भी हो जाते थे, चेक से हो जाते थे। कोई आपराधिक इतिहास भी सर इनका पिछला? नहीं, ये जो लोग पकड़े गए अभी इनका कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं है, मगर ये इनका कहना है कि साहब हम लोग जो है व्यक्तिगत हमारा कोई रुचि नहीं था, हमें किसी ने कहा कि खोलने खाता खोलने के लिए हम पैसा देंगे आपको, आप खाता खुलवाइए आपको पैसा मिलेगा, मगर इनके बातों को विश्वास इसलिए नहीं किया जा सकता कि इनके घरों पे जब छापे मारी गई और इनसे देखा गया बातचीत किया गया तो इनके यहाँ भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स पेपर्स आइडेंटिटीज ये सब इन लोगों के पास मिले। 2 खातों का तो हमें पता चला है, एक खाते में लगभग 25 लाख रुपये, दूसरे खाते में लगभग 20 लाख रुपये ये ट्रांजेक्शन हो चुका है, ये मतलब ये पुष्टि किया जा चुका है। 2 खातों का और पता चला है जिसमें अभी तक अमाउंट क्लियर नहीं है।
गोरखपुर महोत्सव के लिए ऑडिशन महानगर के सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज में किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से नोडल अधिकारी अपर आयुक्त नेहा प्रकाश, जिला सचिव राम सिंह गौतम और राकेश श्रीवास्तव मौजूद रहे, जिसका परिणाम आ गया है, जिसमें एकल अभिनय में अफन, सत्यम कुशवाहा, अमित पांडे ने बाजी मारी, वहीं सोलो डांस में मिथुन शर्मा, शुभम कश्यप, सुकृति चंद्र, रतन चुने गए। ग्रुप डांस में विजय प्रकाश, राम किशोर का फगुआ नृत्य और डीआईडी ग्रुप गोरखपुर महोत्सव में अपने हुनर का प्रदर्शन करेगा। वादन प्रतियोगिता में सुरेश चंद्र बांसुरी वादन में, जयदे तबला में और आभास मोलेडिका का भी चयन हुआ है। लोकगीत में श्रेयांश, शगुन श्रीवास्तव, विभा सिंह और अनिरुद्ध मोर ने जगह बनाई। सभी प्रतिभागी गोरखपुर महोत्सव में अपने हुनर की आजमाइश करेंगे। महानगर के 54 वार्डों में कंबल वितरण का कार्यक्रम सोमवार को नगर निगम में महापौर सीताराम जायसवाल और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह की उपस्थिति में किया गया। ये कंबल वितरण कार्यक्रम शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी एवं समाजसेवी बालकृष्ण सर्राफ के सौजन्य से किया गया। आयोजन के दौरान महापौर ने गरीब और असहाय लोगों को कंबल वितरित किया। इस मौके पर नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह सहित भारी संख्या में पार्षद भी मौजूद थे। ठंड के मद्देनजर सभी वार्डों को 20-20 कंबल के हिसाब से संबंधित पार्षदों को दिया गया। बढ़ा गया है, जिसमें माननीय पार्षद का भी उपस्थित है। सभी माननीय पार्षद को 20-20 कंबल ये कार्यक्रम अब शुरू होने भैया थोड़ा सा मनु कहा जाना चाहिए, फोटो बढ़िया मनु फोटो बढ़िया आना चाहिए, ये भी 1500 बांट तुम आ जाओ भैया बैठ जाओ। अच्छा उन लेवे वाले हां लेवे वाले तैयार है, शिवे तैयार है, बात तो बस है जो बैठ जाओ। की तैयारी अपने अंतिम पड़ाव पर है। तैयारियों के इसी क्रम में गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रांगण में शामियाने सजने लगे हैं और रंगाई पुताई का भी काम अपने अंतिम चरण पर है। अस्थाई रूप से टेंट भी अपनी अपनी जगह पर लगे हैं, साथ ही मंच के सजाने का भी काम अपने शवाब पर है। आयोजन की भव्यता को देखते हुए विश्वविद्यालय में रात और दिन इस आयोजन के लिए तैयारियाँ हो रही हैं। बता रहे हैं जोगी जो पड़ी हो कल
जिलाधिकारी राजीव रौतेला की अध्यक्षता में सोमवार को गणतंत्र दिवस की तैयारी बैठक में गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी को उत्साह एवं उमंग के साथ मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी सरकारी भवनों पर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या से ही रोशनी सजावट की जाए। उन्होंने आमजन से भी अपील किया है कि वे अपने अपने घरों व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सजाएं तथा अपने वाहनों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाएं। जिलाधिकारी ने कार्यक्रमों के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए बताया कि प्रातः 8:30 बजे से सभी सरकारी भवनों पर झंडा अभिवादन होगा तथा इस अवसर पर संविधान में उल्लिखित संकल्प के स्मरण तथा राष्ट्रगान होगा। उन्होंने बताया कि प्रातः 9:30 बजे पुलिस परेड पुलिस लाइन में होगा तथा प्रातः 10 बजे सभी शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रातः 10 बजे से ही शहीद स्मारक चौरी चौरा डोहरिया कला तथा जिला कारागार बिस्मिल पार्क में शहीदों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय क्रीड़ांगन से साइकिल रेस होगी जो स्टेडियम के मेन गेट से प्रारंभ होकर गोलघर होते हुए पुनः स्टेडियम गेट पर समाप्त होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि पूर्वाह्न 11 बजे मलिन बस्तियों में विशेष सफाई अभियान कार्यक्रम चलाया जाएगा। दोपहर 12 बजे विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों द्वारा जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज जिला कारागार कुष्ठ सेवाश्रम मंदबुद्धि संस्थान नारी संरक्षण गृह अंध विद्यालय बाल सुधार गृह फल मिष्ठान का वितरण किया जाएगा। अपराह्न 2 बजे रूट मार्च झांकियां निकाली जाएंगी जो जुबली इंटर कॉलेज के प्रांगण से प्रारंभ होकर नगर निगम परिसर में समाप्त होगी। प्रथम द्वितीय एवं तृतीय टोलियों एवं झांकियों को पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अपराह्न 1 बजे टाउन हॉल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही सर्किट हाउस रोड पर मानव श्रृंखला भी बनाई जाएगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रभुनाथ, SP साउथ ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी, अपर जिलाधिकारी नगर रजनीश चंद्र सहित उप जिलाधिकारी सहित कई विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मेले को हर साल की अपेक्षा इस बार और खास बनाने के लिए मंदिर प्रशासन की तरफ से खास तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर का रंग रोगन जहां तेजी के साथ चल रहा है, वहीं मेले के लिए कई राज्यों से आए व्यापारी अपनी दुकानें भी सजाने में जुट गए हैं। साथ ही तरह तरह के झूले भी इस बार लोगों का जमकर मनोरंजन करेंगे। मेले में विविध तरह की दुकानें लगने शुरू हो गई हैं। यहाँ कॉस्मेटिक दुकानों से लेकर बच्चों के खिलौने आदि की दुकानें सजने लगी हैं। वहीं इस बार मेले में बच्चों से लेकर बड़ों तक के मनोरंजन का भी खास इंतजाम होगा। मेले में लगने वाले झूलों में इस बार ब्रेक डांस, ज्वाइंट व्हील, टोरा टोरा, सोलंबो, बड़ी नाव, ड्रैगन, बाउंसी आदि काफ़ी खास होंगे। इस बार मेले में दुकानों की संख्या में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। करीब 300 बड़ी दुकानें यहां आने वालों के लिए ढेरों वैरायटी उपलब्ध कराएगी। इस मेले में दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब समेत विदेशों से आते हैं। बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। श्रद्धालुओं के लिए इस बार मकर संक्रांति पर यहां खिचड़ी चढ़ाने का एक अलग ही आनंद होगा। गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के CM बनने के बाद ये पहला अवसर होगा जब बाबा गोरखनाथ को CM के रूप में गोरक्षपीठाधीश्वर खिचड़ी चढ़ाएंगे। Thank you.
पहाड़ शुरू नहीं हुआ है, ये भैया बाबू बीजी गांधी को देखना और नाम नदियों लेके चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विस्तारकों की बैठक सोमवार को बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ला ने की। बैठक में मुख्य रूप से पार्टी के प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री शिव कुमार पाठक, गोरखपुर और काशी के क्षेत्र के विस्तारक प्रमुख नागेश्वर श्रवण कुमार पांडे सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। बैठक के दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने विभिन्न जनपदों से आए विस्तारकों को उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में पार्टी की मजबूती के लिए मंडल और सेक्टर लेवल पर बैठक कर लोगों को पार्टी से जोड़ने और उनके समस्याओं के निस्तारण पर भी जोर दिया गया। 6 मंडलों की बैठक में मंडल कार्य समिति की बैठक में रहेंगे, यानी मंडल कार्य समिति की बैठक होते होते धीरे धीरे नीचे के कार्यकर्ताओं का मन मानस बन गया है। चित्र लगाना, बैठक करना, बुलाना ये बन गया। इस महीने ये और चले तो अपने यहाँ जो मंडल प्रवासी उनसे बातचीत करके मंडल अध्यक्ष से बात करके मंडल की बैठक तय करना। पिछले महीने 15 से 20 के बीच में करना था, इस महीने अब से लेके 31 जनवरी के बीच में करना। इसलिए इस महीने तिथि लड़ने की बात नहीं है कि कहीं समय में दो बैठकें हो गई इसलिए हमारा जाना नहीं पड़ा, और सभी मंडल की बैठक में हमको रहना अनिवार्य है। इसलिए सुविधाजनक स्थिति में इस बैठक को तय करना। अगले महीने से यह मंडल की बैठक आप ही को करनी है, कोई नहीं आने वाला क्षेत्र से प्रदेश से। ये जो प्रवासी की व्यवस्था है वो अगले महीने समाप्त हो रही है। अब यह मंडल की बैठक प्रत्येक महीने हो, उस मंडल की बैठक में प्रत्येक महीने आपका रहना हो, जो जिले से उस मंडल का प्रभारी है वो रहेगा, आप रहेंगे, मंडल अध्यक्ष रहेगा, हर महीने मंडल की बैठक होगी, केवल इस महीने प्रवासी की बैठक डाल रहे हैं। माननीय उमेश जी और माननीय पाटिल जी ने नीचे से रिपोर्ट मंगाई है, आप सबके पास भी अगर 10-20-25 नाम लगते हैं, यह लोग ऐसे कार्यकर्ता हैं जो मंडलों सेक्टरों की बैठक व्यवस्थित दे सकते हैं, आप सुझाव दे सकते हैं। नीचे जिले अध्यक्ष से बातचीत करके अगर वो लगेगा तो नामों को जोड़ लेंगे। एक व्यक्ति के जिनमें 4 सेक्टर होगा, जैसे मंडल प्रवास की व्यवस्था बनी है वैसे सेक्टर प्रवास होगा, यानी माह में एक बार, और वो कौन लेगा, जो सेक्टर का प्रवासी हो। मंडल की बैठक आप लेंगे, सेक्टर का प्रवासी बैठक लेंगे, यानी जब सेक्टर के प्रवासी आपके सेक्टर में बैठक लेने जाएंगे तो आपकी उपस्थिति रहनी पड़ेगी। तो आपके क्षेत्र में सभी सेक्टरों की बैठक हो रही, सभी मंडलों की बैठक हो रही, और उसमें से समय निकालकर बूथ की बैठक में जाना, ये अपना काम है। तो मंडल सेक्टर बूथ यानी मंडल की रचना खड़ी करके, हमने मंडल की रचना खड़ी करके आपके जिम्मे कर दिया, अब आप मंडल की बैठक करिए। सेक्टर की रचना भी 6 महीने चला करके फिर ये दे देंगे कि सेक्टर की प्रत्येक माह होने वाली बैठक में जाएंगे, तो जब सेक्टर की हर महीने बैठक होने लगेगी तो कार्यकर्ता खुद ही आपको फोन करेगा कि सर जी आज बैठक है, आप आ पाएंगे। शहर को स्वच्छ बनाने के साथ महानगर को जाम मुक्त कराने के लिए नगर निगम द्वारा पिछले कई दिनों से अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को पुलिस लाइन के सामने हुए अवैध अतिक्रमण को निगम के कर्मचारियों द्वारा हटाया गया। अतिक्रमण हटाने से शहर जाम से कुछ समय के लिए मुक्ति पालेगा और उसकी रफ्तार भी बनी रहेगी। अब देखना यह है कि निगम के इस प्रयास का असर तत्काल तो दिख रहा है, लेकिन अतिक्रमण दोबारा न हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर 24 जनवरी 2018 को यूपी दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर मंडल स्तर पर सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा तथा विजयी प्रतिभागियों और कलाकारों को 24 से 26 जनवरी पर पुरस्कृत किया जाएगा। संस्कृत विभाग लखनऊ के द्वारा जारी शासनादेश में बताया गया है कि गोरखपुर मंडल स्तर पर भोजपुरी गायन में कलाकारों की प्रतियोगिता कराई जाएगी। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए
कमिश्नर अनिल कुमार ने कहा कि प्रतियोगिता के आयोजन के लिए स्थल का चयन मंडल मुख्यालय के जिला सूचना अधिकारी द्वारा किया जाएगा। आयोजन के लिए संस्कृत विभाग द्वारा प्रभारी अधिकारी डॉ. मनोज कुमार, उप निदेशक बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर एवं सहयोगी गायक राकेश श्रीवास्तव होंगे। लोक संगीत प्रतियोगिता 17 व 18 जनवरी 2018 को होगी। प्रतियोगिता में आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 जनवरी 2018 निर्धारित की गई है। प्रतियोगिता में आवेदन करने के लिए निर्धारित प्रारूप फॉर्म संस्कृत विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इच्छुक सांस्कृतिक दल उपरोक्त वेबसाइट से डाउनलोड कर फॉर्म जिला सूचना कार्यालय गोरखपुर एवं बौद्ध संग्रहालय में जमा कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन फॉर्म जिला सूचना कार्यालय गोरखपुर से भी प्राप्त किया जा सकता है। कड़ाके की ठंड में जनपद के ग्रामीण अंचलों में अलाव, कंबल व स्वेटर वितरण सहित 8 सूत्री मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की मांग की। सपा कार्यकर्ताओं ने तहसीलों व ब्लॉकों के प्रमुख स्थानों पर अलाव जलवाने, कंबल व स्वेटर वितरण करने, ठंड से मरने वालों को मुआवजा दिए जाने, यूरिया खाद उपलब्ध कराने, फसलों को आवारा पशुओं से बचाने, खराब नलकूपों की मरम्मत कराने सहित विभिन्न मांग कर रहे थे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने बताया। भाईयान किसका पकड़े? एक मैं हां, एक डाल दियो क्यों? हां, जनपद में 8 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने मांग किया है जिलाधिकारी महोदय से। गोरखपुर में जो ग्रामीण इलाके हैं, कहीं पर अलाव नहीं जल रहा है, चाहे वो ब्लॉक मुख्यालय हो, चाहे तहसील मुख्यालय हो। और 3 लोगों की मौत गोला तहसील में हुई है, जिनका पोस्टमार्टम भी हुआ है, ठंड से मौत हुई है। एक भरसी के रामकरण पांडे जी मरे हैं, डाणी के एक महिला मरी हैं लीलावती गौड़, और एक राम अवध नाम है वो मरे हैं। ये 3 लोगों की मौत हुई है, उनके परिजनों के लिए मुआवजा की मांग हम लोगों ने किया है। ज़िले में सैकड़ों नलकूप खराब हैं, जो नलकूप बने नहीं हैं, किसानों के सिंचाई का समय है तो गेहूं की फसल सूख रही है, इसके लिए हम लोगों ने मांग किया है। और एक मांग, एक सूत्री और ये रही है कि जो छुट्टा पशुओं से किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है, तो इनके लिए पशुपालन विभाग कोई व्यवस्था बनाए कि उसको या तो कांजी हाउस में, या तो उनके रहने के लिए, या जैसे भी सरकार की वो व्यवस्था है कि वो छुट्टा पशु फसलों का नुकसान कर रहे हैं, किसान उसमें अपनी पूरी पूंजी लगा दिया है खेतों में, और ये पशु जा करके चर जा रहे हैं, उसमें बैठ करके उसको रौंद दे रहे हैं। इस मांग को लेकर के भी हम लोगों की मांग रही है। कंबल वितरण किसी तहसील में अभी तक नहीं हुआ, दिसंबर बीत गया, जनवरी में खिचड़ी आने वाली है कंबल वितरण के लिए और स्वेटर वितरण के लिए। इन सब 8 सूत्रीय मांगों को लेकर के हम लोगों ने यहाँ DM साहब से मुलाकात की है, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसे बहुत जल्दी ही पूरा करेंगे। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य नरसिंह नारायण पांडे का सोमवार को निधन हो गया। ठंड के कारण कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल बंद रहेंगे, ये आदेश जिला अधिकारी ने दिया है, परंतु शिक्षक रहेंगे उपस्थित। जिला क्रिकेट लीग का आयोजन महानगर के सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज में किया जा रहा है। सोमवार को खेले गए मैच में रॉयल क्लब और सुपर क्लब के बीच आपस में भिड़ंत हुई, जिसमें सुपर क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 35 ओवर में 142 रन बनाए, जिससे रॉयल क्लब ने बड़ी ही आसानी से मात्र 1 विकेट के नुकसान पर प्राप्त कर लिया। इस तरह रॉयल क्लब में सुपर क्लब से मैच 9 विकेट से जीत लिया। जाते जाते एक नजर हेडलाइन पर। BRD मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस में लगी आग, तमाम फाइलें जलकर हुई खाक। आग के कारणों की जांच के लिए चीफ फायर ऑफिसर और फाइलों की जांच के लिए ADM सिटी के नेतृत्व में बनाई गई कमेटी।
फर्जी खाता खोलकर करोड़ों की जालसाजी करने वाले गिरोह का सीओ कोतवाली ने किया पर्दाफाश। गोरखपुर महोत्सव के लिए ऑडिशन में चयनित हुए प्रतिभागी दिखाएंगे अपनी कला का हुनर। महापौर, नगर आयुक्त और व्यवसायी एवं समाज सेवी बालकृष्ण सर्राफ ने गरीबों को बांटा 1000 से ज्यादा कंबल। गोरखपुर महोत्सव की तैयारियां पूरे शबाब पर, रातों दिन हो रहा है विश्वविद्यालय प्रांगण में काम। जिलाधिकारी राजीव रौतेला की अध्यक्षता में आयोजित हुई गणतंत्र दिवस की तैयारी बैठक, विविध कार्यक्रमों की तय की गई रूपरेखा। अंतिम चरण में है गोरखनाथ मंदिर परिसर में लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियां। भाजपा के विस्तारकों की बैठक हुई संपन्न, सौंपी गई जिम्मेदारी। पुलिस लाइन रोड पर चला नगर निगम का बुलडोजर, हटाया गया अवैध अतिक्रमण। कमिश्नर ने कहा 24 जनवरी को मनाया जाएगा यूपी दिवस, आयोजित होंगे विविध कार्यक्रम। कंबल स्वेटर वितरण किए जाने सहित 8 सूत्री मांगों को लेकर सपा ने किया प्रदर्शन, डीएम को सौंपा ज्ञापन। ठंड के कारण कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल बंद रहेंगे, परंतु शिक्षक रहेंगे उपस्थित। और जिला क्रिकेट लीग में रायल ने सुपर क्लब को 9 विकेट से हराया। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।